हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास सिक्स का सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक एक्सरसाइज वन ए का से क्वेश्चन नंबर सिक्स तक लिया था। आज क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करना है। आप लोग का होमवर्क भी हमको मिल रहा है, पता चल रहा है कि आप लोग होमवर्क भी अच्छा से बना रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, वेरी गुड। और इसी प्रकार से करते रहिए, आगे आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करते हैं। सेवन का फर्स्ट नंबर देख क्या है, सेवन का फर्स्ट नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर में है -13 + 27 + -41 इक्वल टू -13 + 27 + छोटी कोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स कोस्ट वन फिल कोस्ट वन। देखिए उसको भरना कैसे है, हम क्या देख रहे हैं, इक्वल के इधर तीन संख्या दिया हुआ है, इक्वल के इधर भी तीन संख्या का प्लेस है, तो हमको यह देखना है कौन सा संख्या राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में है लेकिन राइट साइड में नहीं है। तो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं 13 है, 27 है, 41 है। यहां पर 13 है, 27 है, तो कौन सा संख्या नहीं है, 41 नहीं है, 41 नहीं है, 41 भर देंगे ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेवन सब आप बनाइएगा। किसी में ऐसा है कि कोई संख्या नहीं हो तो भरना है, किसी में ऐसा है जैसे कि एग्जांपल एक आपको और बताते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में है -60 - -59। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो संख्या इधर दो है उधर एक ही है, ऐसा तो ये नहीं है कि क्या इधर नहीं है क्या उधर भरना है। इसमें डायरेक्ट है -60 में क्या माइनस करेंगे कि -59 होगा, -60 में क्या माइनस करेंगे -59 होगा। तो हम करेंगे क्या, -1 कर देंगे। -1 क्यों किए, क्योंकि -(-) = +, तो +1 हो जाएगा। यहां -69 पिछले क्लास में बता चुके हैं जब साइन डिफरेंट होता है तो आपस में माइनस होता है, तो 60 में 1 जाएगा 59 और 60 माइनस साइन है इसीलिए माइनस है 59, तो -1 आंसर होगा। समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है -13 - -27 + -25 - -40। ये आपका क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। आप जानते हैं पहले कोष्ठक क्रिया होता है और साइन का फॉर्मूला तो पहले ही आपको लिखा चुके हैं, आप लोगों को याद होगा क्या है, -13 है, कोष्ठक आने देंगे -13 लिखेंगे, क्योंकि ये साइन जो है उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, बीच में एक दीवार है संख्या का और वह संख्या का संख्या रूपी दीवार को जंप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो -13 है तो -13 लिखेगा, उसके बाद -(-), यहां आ गया -(-) = +। यहां बीच में कोई संख्या नहीं है, ये कोष्ठक है केवल, संख्या आता तो फिर हम नहीं कर सकते थे लेकिन संख्या नहीं है तो ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई किया, तो -(-) = ++(27 कोष्ठक फिर उधर चलिए -25 फिर यहां भी -(-) = +40। अब हम क्या देख रहे हैं कोष्ठक में, एक साइन नेगेटिव का है एक साइन पॉजिटिव का, डिफरेंट साइन है, जब ये डिफरेंट साइन है तो आपस में घटेगा आपको मालूम ही है। तो 7 में 3 गया 4 और 2 में 1 गया 1, साइन कौन सा होगा इसमें, हम देख रहे हैं कि प्लस वाला जो संख्या है वो बड़ा है, तो हम बताए थे जो संख्या जिस साइन की संख्या बड़ा हो वही साइन होता है, तो यहां प्लस साइन होगा, उसके बाद यहां प्लस का साइन है प्लस डालेंगे, और इधर भी देख रहे हैं डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है आपस में घटेगा, तो 10 में 5 किया 5, 3 में 2 किया 1, ये भी प्लस वाला साइन बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। अब दोनों आ गया प्लस में, दोनों को प्लस कर देंगे 29, ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड 36 माइनस क्वेश्चन देख लीजिए 36 माइनस 64 एंड माइनस 64 माइनस 36। चलिए कुछ व्हाट्सएप हमको कमेंट भी आया था कि हम लोग को अभी तक बुक नहीं मिला है, कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को बता दे, आप लोग के अगल बगल यदि कोई स्टूडेंट आपके सीनियर क्लास का था उनसे बुक ले सकते हैं। सेकेंड फिलहाल मैथ तो मिनिमम ले ही सकते हैं क्योंकि मैथ चेंज आपका नहीं हुआ है। दूसरा बात है, बुक स्टॉल वाला का होम डिलीवरी का नंबर दिया गया है आपको, वो भी नंबर हम सेंड किए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप वो नंबर से अपना बुक मंगवा सकते हैं और जिनके पास है उनको दिक्कत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है इतना एंड इतना, ठीक है, आर दे इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है, देखते हैं करके इक्वल है कि नहीं है। 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 64 एंड माइनस 64, ये तो माइनस ही है, माइनस 36। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां दोनों में प्लस का साइन आ गया, जुट जाएगा 10 6 9 100 हो गया ये, एंड ये दोनों माइनस का है, दोनों जुटेगा लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा, ये माइनस 100 हो गया। क्या दोनों इक्वल है, हम देख रहे हैं एक 100 रुपया, एक माइनस 100 रुपया, मतलब घटा लगा 100 रुपया, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, देखेंगे नॉट इक्वल। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ए बराबर -8 बी बराबर -7 सी बराबर 6 वेरीफाई दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको वेरीफाई करना है। ए बी और सी तीनों का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, जिनका जिनका जो मान दिया है उसके जगह उसको बैठाएंगे। ए का मान हमको दिया हुआ -8, लिखेंगे -8 प्लस बी का मान है -7, बी का मान -7 है प्लस सी का मान आपको दिया गया है 6 बराबर, फिर इधर बैठाइए -8 प्लस -7 और प्लस 6। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है, चलिए करें देखते हैं। तो -8 प्लस -- -7 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन है, तो क्या होगा, आपस में माइनस होगा, 7 में 6 गया 1 बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब ये दोनों माइनस है, दोनों जुट जाएगा -15 प्लस 6 बराबर -8 प्लस -1, ये 15 माइनस में 6 प्लस में है, ये दोनों भी माइनस होगा, तो माइनस में 9 इज इक्वल टू इधर भी माइनस में 9, कहेंगे दोनों सेम साइन है, दोनों जुट जाएगा 9। अब देख रहे दोनों बराबर हो गया, लिखेंगे LHS बराबर RHS ट्रू। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ ए बराबर -9 एंड बी बराबर -6 सो दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट बी माइनस ए, ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट बी माइनस ए, ये आपको दिखाना है। ए और बी का मान हमको दिया हुआ है, ए बराबर -9 है, मान बैठा दिए सबका, -9 माइनस बी का मान है -6, बी का मान है -6 इज इक्वल टू नोट -6 माइनस -9, देखेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है, सॉल्व करके देखिए, -9 है -9 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस 6 इज इक्वल टू नहीं है,
माइनस सिक्स माइनस इंटू माइनस प्लस नाइन। सॉल्व कीजिए, माइनस नाइन प्लस सिक्स दोनों डिफरेंट साइन है, दोनों डिफरेंट साइन है, आपस में माइनस होगा तो नाइन में सिक्स क्या थ्री बचेगा, थ्री में साइन कौन सा होगा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा संख्या बड़ा है। माइनस थ्री इज इक्वल टू नोट, यहाँ पर माइनस सिक्स प्लस नाइन है तो प्लस वाला साइन बड़ा है इसलिए थ्री होगा, तो ये थ्री बराबर माइनस थ्री, ये बराबर नहीं है, सही है ये एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं है, प्रूफ समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस सिक्सटीन इफ वन ऑफ देम इज फिफ्टी थ्री फाइंड द अदर, कहता दो संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो माइनस सोलह होता है, यदि उसमें एक संख्या फिफ्टी थ्री है तो दूसरा क्या होगा, मतलब दो संख्या को जब जोड़ेंगे तो टेन होगा, यदि एक संख्या फाइव है तो दूसरा क्या होगा, क्या करेंगे हम टेन में फाइव को माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से है तो सम दिया हुआ है वो कितना है, सम बराबर माइनस सिक्सटीन, फर्स्ट नंबर बराबर दिया हुआ है फिफ्टी थ्री, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बराबर व्हाट, सेकेंड नंबर निकालना है तो सम में हम फर्स्ट नंबर को घटाएंगे सेकेंड नंबर निकल जाएगा, तो क्या करेंगे सेकेंड नंबर बराबर माइनस सिक्सटीन में माइनस कर देंगे किसको, फिफ्टी थ्री को, क्योंकि ये प्लस सम है तो सम में पहला नंबर घटाएंगे दूसरा नंबर निकल जाएगा, दो संख्या को जोड़ने पर इतना हुआ है और पहला संख्या यह है तो दूसरा क्या होगा, तो जोड़ में हम पहला से घटा देंगे दूसरा निकल जाएगा, तो हम जब करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें भी माइनस आ गया इसमें भी माइनस आ गया दोनों माइनस आ गया, हम बताए थे जब साइन सेम हो जाता आपस में जुट जाता है तो बराबर क्या हो जाएगा नाइन फाइव वन सिक्स साइन देगा माइनस को, माइनस सिक्सटी नाइन ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से यदि जब भी रहेगा आपको दो संख्या को जोड़ने पर ये आता है पहला संख्या ये है दूसरा क्या होगा, तो हमेशा जोड़ में से पहला संख्या घटाया जाता है, क्योंकि हम जस्ट एक एग्जांपल दिए यदि दो संख्याओं को जोड़ेंगे दस होगा ठीक है, और यदि एक संख्या तीन है दूसरा क्या होगा, तो दस घटा तीन कर दूसरा सात होगा, तब सात और तीन मिलकर दस होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65 इफ वन ऑफ देम इज माइनस 31 फाइंड द अदर, सेम है दो संख्या जोड़ेंगे इतना होगा यदि एक से इतना दूसरा क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, इस पर ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं इन्हें बताएंगे हम। 14 नंबर, द डिफरेंट ऑफ एन इंटीजर ए एंड माइनस सिक्स इज फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कहता दो इंटीजर का डिफरेंट जो है फोर है तो ए का वैल्यू निकालिए, इंटीजर कौन सा है ए एंड फोर इज माइनस सिक्स, तो ए माइनस माइनस सिक्स इज इक्वल टू फोर, कहता दो इंटीजर का डिफरेंट फोर है तो ए का वैल्यू निकालिए, तो चलिए ए माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स इज इक्वल टू फोर, सिक्स इधर प्लस में है सिक्स को उधर भेज दीजिए, यहां प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ए बराबर हो गया फोर माइनस सिक्स, हम देख रहे हैं फोर के पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, ये माइनस है अलग अलग साइन आ गया, जब ये डिफरेंट साइन आया माइनस करेंगे, सिक्स में फोर गया टू साइन कौन सा होगा, तो कौन सा साइन वाला संख्या बड़ा है माइनस साइन वाला संख्या बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए 15 नंबर में क्या है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स जीरो, फर्स्ट दिया जीरो, कहता दो ऐसा इंटीजर लिखिए जिनका सम जीरो हो जाए, ऐसे इसका नीचे में सारा बता दिया गया है लेकिन फिर भी एक आध हम समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 का, 15 का क्वेश्चन नंबर ए, कहता है दो ऐसा इंटीजर लिखिए कि दोनों का सम जीरो हो, हम कोई भी इंटीजर दे सकते हैं जैसे 5 प्लस 5 में भी हम प्लस करेंगे माइनस 5 को तो बराबर जीरो होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा ठीक है, या इसके जगह पर हम दूसरा बना सकते हैं सिक्स प्लस माइनस सिक्स थ्री प्लस माइनस थ्री
हमको एक ही लिखना है, हम कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आंसर में यह दिया यही लिखेंगे, हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट आपको बनाना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए, कहता फोर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टी फोर ट्रू एंड एफ फोर फॉल्स, टू फॉल्स लिखना है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज जीरो, क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर जीरो है? नहीं, गलत है, क्योंकि इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर हम लिख ही नहीं सकते हैं, अनंत है, -1, -2, -3, -4 ये सब इंटीजर ही है जो कि जीरो से छोटा होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। दूसरा नंबर दिया है -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 जो है -7 से बड़ा होता है, ये भी गलत है, क्योंकि हम बताए थे कोई भी संख्या जितना बड़ा माइनस में होगा वो उतना छोटा होता है, -10 जो है -7 से छोटा होगा ना कि बड़ा होगा, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स आप लोग लिख सकते हैं। आज इस चैप्टर को हम समाप्त किए हैं, आपका पूरा नोट्स देखेंगे, एक लेसन वन जो है कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, एक्सरसाइज वन जब कंप्लीट हम देख लेंगे तो फिर एक्सरसाइज टू आपको होमवर्क में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज टू लेंगे, ये वन आपका होमवर्क चेक करेंगे और अच्छा से नोट्स कीजिएगा, ये नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा। चलिए एसडब्ल्यू आपका हो गया, किस नंबर से स्टार्ट करना था, सब बता ही दिए हैं, 13-16 नेक्स्ट और पेज नंबर जो कि है पेज नंबर 5 ये आपका होमवर्क हुआ, हो गया।